वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है और आप है अपने चैनल टेक्नो अभिषेक में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो जो मैंने क्रिएट किया है ये आपकी वीओसी पर किया है फ्रेंड्स, ठीक। तो इस वीडियो को पूरा देखना। पहली वीओसी ये थी कि सर हमने एचडीबी का फाइनेंस का लोन ले रखा है और हमने ऑलरेडी ईएमआई पे कर दी है गूगल पे के थ्रू, बट अभी तक वो हमारे अकाउंट में ऐड नहीं हुई है। तो वो लोग इससे भी कन्फ्यूजन में है, ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यू इसकी फैसिलिटी चालू हो गई है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो बहुत कन्फ्यूजन में और ये सभी के साथ में। सेकेंड क्यूरी ये है फ्रेंड्स कि जिन्होंने इस फैसिलिटी के लिए आउटपुट कर दिया था गलती से, मोटारियम की जो फैसिलिटी 3 मंथ की मिली थी उन्होंने गलती से आउटपुट कर दिया, अब वो वापस चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे। तो इस दोनों क्यूरी पर ये वीडियो अवेलेबल है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चीजों को समझना और मैं कुछ लाइव चीजें भी दिखाऊंगा जिससे ये प्रॉब्लम जो आपकी रिजोल्व होगी और चीजों को समझने के बाद में आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं गूगल पर अवेलेबल हूँ और एचडीबी की वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये हमने एचडीबी की वेबसाइट पर क्लिक कर दिया है। अब ये देख सकते हैं आपकी होम पर वही COVID-19 का जो रिलीफ पैकेज दिया गया है वही चल रहा है। अब हम लोग क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये दिया गया है ऑप्शंस यहाँ पर, क्या सभी ग्राहकों को किस्तों के भुगतान की मोहलत का चयन करना अनिवार्य है, यदि मुझे मोरेटोरियम का लाभ नहीं चाहिए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपने यहाँ से नो लिखकर सेंड कर दिया है इस नंबर पर 9711830788 पर और अब आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू 3 मंथ का राहत मिले, वो गलती से आपसे हो चुका है, सो फ्रेंड्स नो की जगह आप यस लिखें। सेकंड चीज, अगर यहाँ से भी आपका मैसेज प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं होता या कोई भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तो कुछ मत करें आप। ये जो आपको दिया गया है मोराटोरियम हेल्प्स एट द रेट sdbfs.com पर आप एक ईमेल सेंड करें। अगर आपके पास में फॉर्मेट नहीं है और आपको दिक्कत आ रही है तो बताएं मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्मेट भी दे दूंगा। आप इस पर मेल करेंगे, आपकी जो गलती हुई है उसको आप उसमें मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिक आपको रेजुलेशंस मिलेगा और मेल के थ्रू आपके नंबर पे 3 मंथ की फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए मैं इसका एक लाइव प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने किया था और उनका रेजुलेशन भी उनको मिला है। फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से उनके पास में जो ईमेल मिला था कि आपने परमानेंटली इनकेस यू फॉलो द परमिट यू कैन आउट फॉर द मोटार में ईएमआई, ये देख सकते हैं आप। और ये वही वेबसाइट है, वही लिंक है और इसके थ्रू आप पूरा उसका आउटपुट कर सकते थे, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब फ्रेंड्स उन्होंने आउटपुट तो कर दिया है, अब वो चाहते हैं कि इसको वापस इनपुट करें और इसका बेनिफिट ले पाएं, ठीक फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या किया है, मोराटोरियम्स हेल्प जो एचडीबीएस की जो ऑफिशियली मेल आईडी है इस पर उन्होंने मेल किया है और मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, और मेल सेंड कर दिया। वहां से मेल सेंड करने के बाद में देखिए अगेन एक मेल मिला, ग्रीटिंग फ्रॉम एचडीबी बैंक सर्विस, दिस इज विद द रेफरेंस ऑन ईएमआई ऑप्ट इन फैसिलिटी ऑफ योर लोन अमाउंट, यानी कि आपके नंबर पर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ये फैसिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है, इसका कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कि अगर आप ईमेल करते हैं तो ईमेल का प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है और ईमेल पर आपकी जो भी क्यूरीज है वो रिजोल्व हो रही है। तो खासकर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। तो आप लाइव देख सकते हैं इस टाइप से आपको मैसेज मिलेगा, ईमेल मिलेगा और इसी टाइप से। तो ये जो वेबसाइट, ये जो उनका ऑफिशियली मेल है moratoriumhelp@sdbfs.com पर, तो इस पे आप एक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक मेल करें आप अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो। और सेकेंड, ये उनके लिए भी फ्रेंड्स जिनकी ईएमआई उन्होंने पे कर दी है बट अभी तक उनके अकाउंट में ऐड नहीं हुई है। देखिए सर, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अब जो बजाज फाइनेंस है, एचडीबी है, ये 1 से 10 तक का जो अमाउंट रहता है फ्रेंड्स 10 तारीख के बाद ही अपडेट करते हैं क्योंकि 1 से 10 के बीच में इनकी ईएमआई कटती है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी आपको 10 तारीख 12 तारीख तक ही अपडेट हो जाएगा। मगर फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट्स है तो कुछ मत करें आप, मोराटोरियम हेल्प्स, ये देख रहे हैं आप ईमेल आईडी, ये अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और लाइव भी दिखा दिया। इसको कॉपी करें, आपके जीमेल पे जाएं, रजिस्टर्ड जीमेल से
आप पूरा एक जो आपने पे किया था उसका स्क्रीनशॉट लगाएं और कमेंट और नोट्स में लिखें वहां पर कि मैंने इस दिन ये अमाउंट पे किया था बट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, और इस ईमेल को सेंड कर दें। बस ये है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिससे आपका रजिस्टर्ड है, कि उनको फेच करने में दिक्कत ना आए, और इसके थ्रू आप आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो खासकर दो लोगों के लिए है, एक तो जिनके लिए जिन्होंने ईएमआई अपना पे कर दिया बट अभी तक वो अकाउंट में शो नहीं कर रहा, दूसरा जो अगेन इस फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस ईमेल आईडी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके मेल कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मेट की कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फॉर्मेट भी वहां पर टाइप करके रख दूंगा, आप कॉपी करके उसको सेंड कर सकते हैं। तो आई होप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।